सिर्फ एक हफ्ता बचा है तेलंगाना की जनता को उनका वोट कास्ट करने के लिए। नवंबर 30th को तेलंगाना का चुनाव का वोटिंग होगा और काउंटिंग होगा दिसंबर 3rd को। ये तेलंगाना के लिए एक बहुत ही प्रमुख और इम्पोर्टेंट इलेक्शंस माना जाएगा, क्योंकि इस इलेक्शंस में तीन मेजर पार्टियां की लड़ाई होगी। इन तीनों में से जो जंग होगा वो है भारत राष्ट्र समिति BRS पार्टी, भारतीय जनता पार्टी BJP पार्टी और कांग्रेस का। इन तीनों का आमने सामने एक जंग और लड़ाई होगा और इस लड़ाई के बीच में कौन जीत हासिल करेगा ये देखने अभी भी बाकी है। फिलहाल के लिए इस अगले हफ्ते कई सारे जो नेताएं हैं भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस के, वो यहाँ कैंपेनिंग करने के लिए आ रहे हैं। 24-25 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और कई सारे भाजपा के बड़े बड़े नेताएं यहाँ तेलंगाना में आएंगे कैंपेन करने के लिए। वैसे ही उसी तरह कांग्रेस के बड़े नेताएं जैसे कि AICC के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी शायद आने का संभावना है यहाँ कांग्रेस को जिताने के लिए, कैंपेन करने के लिए। कांग्रेस एक तरफ बहुत ही कॉन्फिडेंट है उनके जीत हासिल होने का संभावना में, और ये भी कह रहे हैं कि अभी तकरीबन 9 साल के ऊपर हो गया और KCR का जो गवर्नमेंट है, जो सत्ता है, अभी वो जाने का अभी टाइम हो गया है। वैसे ही दूसरी तरफ भाजपा का ये आर्ग्यूमेंट है कि कांग्रेस और BRS दोनों MIM पार्टी, इन तीनों पार्टी मिलजुल के एक ही पार्टी है और इन तीनों में से हर कोई भी जीतेगा तो वो वोट KCR और BRS पार्टी को ही जाएगा। पर BRS का अभी भी एकदम कॉन्फिडेंस डटा है कि आगे जाके 3rd टाइम KCR के चंद्रशेखर राव जो है अभी का तेलंगाना का मुख्यमंत्री, वो वापस मुख्यमंत्री बनेंगे और ऐसे ही तरह BRS पूरे मेजॉरिटी के साथ तेलंगाना में वापस आएगा। और वापस आके जिस तरह से उन लोगों ने अभी 9 साल सत्ता में आके काम किए हैं लोगों के लिए, वैसे ही तरफ अगले 5 साल भी करते जाएंगे। KCR का ये भी एक अनुमान है कि आगे जाके 2024 के इलेक्शंस में भी एक बड़ा पार्ट होगा BRS का। अभी जो नेशनल केंद्र में BRS का एक पार्ट आ चुका है और वो नेशनल रूप की तरह से वो पार्टी को भी लेकर जाने का भी KCR सोच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दामोदर के साथ अपूर्वा जयचंद्रन।